फ्रेंड नमस्ते, हमारे गार्डन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ गार्डन टिप्स देना चाहती हूँ जो बरसात के टाइम पे अपने लिए बहुत ही आवश्यक है और बिगनर्स के लिए भी यह जरूरी है। एक तो सबसे पहला काम अपना कि अपने जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको आप बाहर ले आएं, बरसात में उनको फुल एंजॉय करने दें। जैसे अपन लोग फेस्टिवल पे एंजॉय करते हैं तो इनका फेस्टिवल शुरू हो चुका है और इनको भी फुल एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आप फर्स्ट तो ये हो गया कि अपन को इंडोर प्लांट सभी को बाहर बरसात में निकाल लें। और फ्रेंड्स, जो अपने गमले में यदि ड्रेनेज सही नहीं है तो ये चेक करते रहें कि कहीं पानी वानी तो नहीं रुक रहा है, तो इससे प्लांट्स खराब होने का डर रहता है। और सैकुलेंट में प्लांट्स में यदि आपको यहाँ ज़्यादा बरसात हो रही है, 2-3 दिन से बरसात हो रही है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रख लें कि उनको इधर उधर कर दें जहाँ डायरेक्ट बरसात नहीं लगे, और नहीं तो रूट रोट होने की दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए गार्डनर्स का तो काम बढ़ ही जाता है बरसात में, लेकिन प्लांट्स काफ़ी खुश होते हैं बरसात के सीजन में। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा हो गया। और यदि गमले भी अपना कंटिन्यू चेक करते रहें कि कहीं पानी वानी तो नहीं रुक रहा है उनमें। देखो, ये मेरे अलमंडा में येलो कलर का फ्लावर्स आ गया है। रिपोर्टिंग की थी उस दिन, बहुत खुशी हो रही है। और इस मौसम में आप कोई भी कटिंग्स लगा सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कोई गमला ख़राब हो रहा है अपना तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टाइम प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, तो जेड प्लांट को इस तरीके से लगाया हुआ है तो मेरे तो जेड में इतना पानी अंदर जाएगा नहीं, कितनी भी बरसात हो जाए। तो इस तरीके से आप इन प्लांट्स को केयर कर सकते हैं और फुल एंजॉय करने दे प्लांट्स को। इस सीजन में अपन को प्लांट्स में कोई फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। रेनी सीजन में वैसे ही इसका पानी इतना अच्छा होता है कि अपने आप में एक फर्टिलाइजर होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।